इस वक्त मैं दिल्ली के लाल कुआ इलाके में मौजूद हूँ, उसी मंदिर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। फिलहाल आज अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जाएगी। इससे पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा जो है ये पता चला है कि दरअसल हौस काजी चौक से लेकर नया बास खारी बावली और वापस यहाँ पर दुर्गा मंदिर पर संपन्न होगी। तो ये जो एक प्लान है ये तकरीबन 11 बजे के आसपास निकलेगी और उसके बाद यहाँ पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। पंडित जी मौजूद हैं, पंडित जी क्या कार्यक्रम है आज का? आज का कार्यक्रम यह है कि देखो मूर्तियों की पूजा तो चल रही है और अभी पूजा जब पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर यहीं से हम मूर्ति को यात्रा के लिए ले जाएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। तो शोभा यात्रा यहाँ लाल कुएं से निकलकर कटरा बड़ियान होते हुए और फतेहपुरी से खारी बावली होते हुए नयाबास से सीधे हम अपने मंदिर की तरफ आएंगे। मंदिर में आकर के हम मूर्तियों को रखेंगे और मूर्तियों को रख करके हम एक विशाल आरती महाआरती करेंगे। महाआरती करने के बाद हम भगवान का आशीर्वाद लेंगे और प्रसाद खाएंगे। तो ये आज का प्लान है। तो देखिए पंडित जी जो बता रहे थे कि इस तरह से आज का प्लान है, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद यहाँ पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जो है उसका आयोजन होगा यहाँ पर करेगी। और मैं आपको यहाँ पर सिक्योरिटी ज़बरदस्त है क्योंकि ये पूरे जो प्रोग्राम होता है उसको लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसी खासकर दिल्ली पुलिस सतर्क है। खुद पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे थे। ये जो प्रोग्राम है ये संपन्न हो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक अरेंजमेंट कर रखे हैं।